आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके सामने क्या लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, टावर फैन एक सरप्राइज़ है दोस्तों ये, और मैं आज आपको इस टावर फैन के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीखो एवरीडे, और दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपको बताता हूँ इस टावर फैन के, दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ इस टावर फैन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अपन। इसे पढ़ते वक्त भी यूज कर सकते हो। खेलते वक्त भी यूज कर सकते हैं। इसे सोते वक्त भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं अपन किचन में, या आप कहीं भी बैठे हो दोस्तों सोफा के बगल से, कहीं भी इसका यूज बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी फंक्शन की। तो दोस्तों सबसे पहले फंक्शन है इसमें, ये कंपनी का है, ये 46 इंच का टावर है। जी हाँ दोस्तों, इसकी हाइट 46 इंच की है, और इस 46 इंच का टावर है। इसमें 5 कलर आते हैं, गोल्डन, सिल्वर, टाइटेनियम, वाइट और ब्लैक। तो दोस्तों इसमें 5 कलर आते हैं मैंने, और इसमें फंक्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपनी ये छोटा सा रिमोट दिया हुआ है। सबसे पहले इस रिमोट की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये सबसे ऊपर पावर का बटन है, और दूसरा स्पीड दिया हुआ है। दोस्तों इसमें 3 स्पीड है, मैं अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करिए। और दोस्तों यहाँ पे ये OSC लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्टैंड पे ही, ये अपने स्टैंड पर यहीं पर ये मूव करता है, घूमता है ये फैन। और दोस्तों इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं ION। तो दोस्तों जो इसकी डिस्प्ले है, ये LED डिस्प्ले है, और अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं तो दोस्तों इसको, इस बटन को आप दबा के इसे ऑन रख सकते हैं, क्योंकि ये चालू होने के बाद 1 मिनट बाद ये डिस्प्ले अपने आप ऑफ हो जाता है, लेकिन फैन चालू रहता है। दोस्तों ये टाइमर है, टाइमर इसमें 12 घंटे का है, कि आप 1 से लेके 12 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मोड है, इसमें 3 मोड है। सबसे पहला मोड दोस्तों इसमें नॉर्मल है, दूसरा नेचर्स का है, और तीसरा स्लीप मोड है। तो दोस्तों ये रिमोट मैं आपको बताता हूँ, ये दोस्तों ये रिमोट काफ़ी छोटा है लेकिन अच्छा है। दोस्तों अगर इस छोटे रिमोट की खासियत होती है, अगर ये गिर जाता है तो टूटता नहीं है। सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक स्टैंड दिया हुआ है इस टावर के ऊपर, आप इस रिमोट को कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों आप देखेंगे कि इसके पीछे भी आप इस रिमोट को कैरी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे शरारत करते हैं और आप चाहते हैं इसे दुबका के रखें, तो दोस्तों आप इसके पीछे भी लगा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये हाथ से पकड़ने के लिए एक स्टैंड दिया हुआ है, इसे आप स्टैंड वाइज उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसका वज़न मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका वज़न, इस टावर का वज़न पूरा 3 किलो 75 ग्राम है। तो दोस्तों इसको आप कहीं भी आसानी से, बड़ी आसानी के साथ एक कमरे से दूसरे कमरे में लगा सकते हैं। दोस्तों आप ये इसे AC के कमरे में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये साथ इस एक कोने पे लगाने थे लगा देते हैं, और ये पूरे घर में या रूम में, आपके पूरे रूम में हवा को फेंक देता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आगे का इसका विंडो है, ये बिल्कुल AC की तरह है। दोस्तों ये 46 इंच का है पूरा, आप देख सकते हैं 46 इंच का है। और दोस्तों चलिए इसे ऑन करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका लुक बड़ा नाइस है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पावर दिया हुआ है, पावर का बटन दिया है, फिर उसके बाद स्पीड का, मोड का, टाइमर का, OSC का। तो दोस्तों आप इसके यहाँ से भी इसे रिमोट काम नहीं करता है, तो आप इसे भी यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अपने रिमोट से इसे ऑन करता हूँ, ये देखिए। और आप देखेंगे पूरा इसका डिस्प्ले मोड है, ये साउंड फ्री रहता है दोस्तों, काफ़ी साउंड कम रहता है इसका। तो आप देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टाइल, थोड़ा मोबाइल में लाइट नहीं दिख रही होगी। और दूसरा आप देखेंगे इसके ऊपर थोड़ा हरी कलर की 4 पट्टियाँ हैं, ये इसकी स्पीड है। देखिए दोस्तों अब थोड़ा साफ हुआ, इसकी स्पीड बढ़ाएंगे अपन। देखिए ये सेकेंड स्पीड है इसकी, सबसे पहले नॉर्मल, मीडियम, और दोस्तों उसके बाद ये हाई। तो ये 3 स्पीड है इसमें दोस्तों, तो आपको आवाज़ आ रही होगी, और इसकी हवा बहुत अच्छी है दोस्तों, ये काफ़ी रूम तक फैला देता है। और दूसरा उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन ये
यहाँ पर मोड की, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइल ही लिखा हुआ है। दूसरा ये नेचर्स का आ गया दोस्तों, इसमें ऐसा रहता है कि हवा कुछ देर स्लो होती है, फिर धीरे धीरे फास्ट होती है, फिर स्लो होती है, फिर फास्ट होती है। आप देखो ये आवाज़ बढ़ गई है इसकी, अब देखिए अपने आप ये स्लो होगा, ये स्लो हो गया, अब ये फिर फास्ट होगा, ये देखिए आवाज़ फिर बढ़ेगी इसकी और अपने आप ही। देखिए मैं दोस्तों इसको रिमोट से कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये देखिए अपनी स्पीड अपने आप ही बढ़ गई है। और दोस्तों इसका तीसरा मोड है ये स्लिप मोड, और तीसरा स्लिप मोड में है दोस्तों ये स्लिप मोड है, आप इसकी स्पीड यहाँ से इसे कम कर देता हूँ। और तीसरा ये है दोस्तों, ये देखिए आई ऑन, तो दोस्तों ये इसका जो डिस्प्ले है वो हमेशा पूरे रात ऑन रहेगा, अगर आप इसको जैसे कि बंद कर देंगे तो 1 मिनट बाद ये डिस्प्ले ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दूसरा और इसके बाद है दोस्तों इसमें OSC, तो दोस्तों आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे मूव करने लगा, ये घूम के चारों तरफ आपके रूम में हवा चारों तरफ फैला देगा, ये देखिए दोस्तों अपने आप मूव कर रहा है ये। और दोस्तों आप इसकी लुक की बात करें तो ये इसका लुक बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यारा है। और दूसरा दोस्तों इसका रिमोट का जो स्टैंड दिया है वो और भी इसे अट्रैक्टिव बनाता है दोस्तों, ये बहुत ही हल्का है, आप इसे एक जगह से दूसरी जगह तक देखेंगे। आप देखिए दोस्तों ये चल रहा है, इसकी डिस्प्ले ऑफ हो गई है जिससे ये नाइट में आपको डिस्टर्ब ना करे। और मैंने आपको ये दोस्तों एक बात और बतानी थी, यहाँ पर ये टेम्परेचर अपने आप शो करता है, जैसे कि इस कमरे का टेम्परेचर अभी 26 डिग्री है, 25 26 डिग्री है, जैसे मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ तो ये दोस्तों ये टेम्परेचर अपने आप बताता है। अगर आप मार्केट से टेम्परेचर की मशीन भी लेने जाएंगे तो आपको 1000-1200 रुपये की मिलेगी। और देखिए दोस्तों ये एसी का लुक है, ये बहुत ही एसी जैसा इसमें फैन लगा हुआ है, और आप पीछे से देखेंगे मैं इसको थोड़ा घुमा के इसे आपको दिखा देता हूँ, ये इसका बैक है, यहाँ से ये हवा लेता है, आप पीछे देख सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था ये रिमोट का है, ये आप यहाँ पर रिमोट कैरी कर सकते हैं, बच्चों से छुपा के भी रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से पकड़ के आप इसे आसानी से ऐसे उठा के ले जा भी सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। आपको ये टावर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और दोस्तों लाइक ज़रूर करें और ज़रूर बताएं दोस्तों, इस तरीके के टेक्निकल वीडियो लेके आता रहता हूँ, आप बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं।